बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को पिछले साल दिसंबर में हार्ट अटैक आया था। हाल ही में श्रेयस ने इस बारे में कई बातें शेयर की हैं। श्रेयस तलपड़े का कहना है कि महामारी यानी कोविड-19 के बाद खासकर युवाओं में हार्ट अटैक जैसी कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। युवाओं को सेहतमंद होने के बावजूद दिल का दौरा पड़ रहा है। श्रेयस को भी पिछले साल दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 महामारी और कोविड वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। 47 साल के एक्टर का कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए कि यह हार्ट अटैक महामारी की वजह से हुए हैं या कोविड वैक्सीन की वजह से, क्योंकि लाखों लोगों को यह महामारी हुई है और वैक्सीन भी लगी है। श्रेयस ने बताया है कि उनके लिए बेहद हैरान करने वाला था कि डाइट और एक्सरसाइज सहित हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद उनको हार्ट अटैक आया। उन्होंने कहा कि 30 से 40 साल की उम्र में जहां लोग हेल्दी होते हैं, वहां अब उनको अचानक हार्ट अटैक संबंधी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। श्रेयस ने कहा है कि उन्होंने कार्डियक अरेस्ट के दौरान पूरी सावधानी रखी थी, यहां तक कि उन्होंने अपना डायबिटीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा था और स्मोकिंग भी नहीं करते थे, बस कभी कभार ड्रिंक करते थे। ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल था। इतनी सावधानियों के बावजूद भी हार्ट अटैक आना एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद बेशक वे थका हुआ महसूस करते थे, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं कह सकते कि कोविड वैक्सीन के कारण ही उन्हें हार्ट अटैक आया, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत नहीं है। आपको बता दें, श्रेयस को जब कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उस समय वे वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्हें पानी में कूदने का एक सीन करना था। उन्हें उस समय बहुत असहज महसूस होने लगा। उन्होंने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बाएं हाथ में दर्द होने लगा, और कपड़े बदलने के लिए उन्हें अपनी वैनिटी वैन तक पहुँचाने में भी बहुत मुश्किलें हो रही थी। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी दीप्ति उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई और रास्ते में ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया, लेकिन इमरजेंसी हेल्प मिलने से वे सही समय पर डॉक्टर तक पहुंच पाए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।